नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप साई बालाजी का जो डेली कलेक्शन मशीन है, डेली कलेक्शन मतलब होता है, इस मशीन को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास अभी अभी कस्टमर देके गया हुआ है, तो मुझे भी ठीक तरह से मालूम नहीं है। कस्टमर बोल रहा था कि इसका जो प्रिंट आउट है, इसका जो कागज़ है, वो निकल नहीं रहा है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और इसको वीडियो बनाते बनाते इसको सॉल्व भी कर देंगे। तो चलिए एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑन हो चुका है, देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक प्रिंट आउट निकाल के देखेंगे कि कस्टमर जो बोल रहा था वो सही है कि नहीं, और यही वाला प्रॉब्लम है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो टेस्ट पेज एक लेंगे, तो FN में जाना है, FN दबाना है फंक्शन की। तो FN देखिए देखिए काम नहीं कर रहा है, इसके पहले आपको एस्केप दबाना पड़ेगा, उसके बाद FN दबाइए। और देखिए यहाँ पे एजेंट सेटिंग है, एजेंट सेटिंग आपको दो दबाना है। तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है दोस्तों, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो बैंकिंग का अगर आप यूज़ करते हो तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है 2014। तो यहाँ पे चलिए दे देते हैं और सिंपली इसको एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको तीन नंबर पे देखने को मिलेगा प्रिंट हेड क्लीन, इसका जो हेड का जो सेक्शन है वो वाला प्रिंट आउट निकल के आना चाहिए यहाँ पे। तो तीन दबाते हैं चलिए। तो देखिए ठीक तरह से तो काम कर रहा है। तो कस्टमर बोल रहा था कि इसका जो प्रिंट आउट निकल नहीं रहा है, इसके वजह से मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। तो हो सकता है कई कई बार मतलब जैम होने से प्रिंट आउट निकलता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे और इसका जो गियर वगैरह है इसको एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद ही मतलब हम लोगों को पता चलेगा कि असल में खराबी है कि नहीं। तो चलिए इसको ऑफ कर लेते हैं और इसको खोलने का तरीका बहुत ही ईजी है दोस्तों। पहले पेपर को निकाल लीजिए, पेपर अभी ज़रूरी नहीं है, पेपर को साइड में रखते हैं। और पीछे देखिए, पीछे आपको 6 स्क्रू मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। तो आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे स्क्रू वगैरह होगा, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ यहाँ पे स्क्रू नहीं होता है दोस्तों, फॉल्स होता है। तो आपको ये 4 स्क्रू खोल लेना है। तो चलिए फटाफट खोल लेते और आप लोगों को दिखा देते। तो गियर का अगर कोई प्रॉब्लम होगा, तो गियर अगर जैम होगा तो आपका मतलब कई कई बार ऐसा भी होता है मतलब पेपर ठीक तरह से निकलता नहीं है, तो ऐसा ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो कस्टमर का प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए मतलब इस डेली कलेक्शन मशीन को मेरे पास लेके आया, प्रॉब्लम ना होने से तो नहीं आता। तो स्क्रू को चलिए खोल लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे ऊपर का ढक्कन खुल गया, स्क्रू 4 स्क्रू से मतलब आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कीपैड को साइड में रखते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन लगा हुआ है, तो बैटरी का कनेक्शन को खोल लीजिएगा। तो देखिए ये वाला सेक्शन तो ठीक ठाक ही है। तो हम लोगों को काम करना है, हम लोगों को देखना है ये वाला जो प्रिंटर आपको दिख रहा है जिससे प्रिंट होता है, तो यही वाला जो मोटर आपको दिख रहा है, इस मोटर क्या करता है, वो जो पेपर है पेपर को खींच के बाहर निकलता है। तो मोटर अगर ख़राब हो जाए या इसका जो लेफ्ट साइड में जो गियर वगैरह होता है, गियर वगैरह में अगर धूल जम जाए, कोई भी मतलब जैम हो जाए, तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसका पूरी तरीके से साफ करेंगे और यहाँ पे देखेंगे इसका जो मोटर वगैरह है वो वाला ठीक ठाक है कि नहीं, और थोड़ा सा साफ भी कर देंगे। तो चलिए हम
थोड़ा सा साफ कर लेते हैं पहले। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, प्रिंटर आप अगर बाहर निकल के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ एक बार, अगर नहीं होता है तो आपको ये वाला दो स्क्रू आपको दिख रहा है, दो स्क्रू खोलना पड़ेगा। और ये जो केबिल दिख रहा है, ये केबिल को भी आपको खोलना पड़ेगा। तो केबिल खोलने से पहले पहले देख लीजिएगा, और अच्छे तरीके से अगर नहीं लगा तो आपका मतलब दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ठीक ठाक से आपको लगाना है, और कुछ होता नहीं है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही खोल के इसको एक बार चेक करेंगे। तो इसके लिए मुझे चाहिए ट्वीज़र चाहिए। असल में दोस्तों प्रिंटर को निकालना ही मतलब ज़्यादा आसानी है, मतलब ऐसे खुलने से मतलब आपका जो गियर वगैरह है टूट सकता है। तो मैंने तो खोल लिया, आप टाई मत कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको धूल वगैरह नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है। एक मिनट देखिए, तो आपको यहाँ पे देखना है, देखिए धूल वगैरह जमा हुआ है। तो इसको हम साफ करेंगे। तो गियर को हम निकालेंगे यहाँ से, देखिए गियर को निकाल, यहाँ पे देखिए धूल वगैरह लगा हुआ है, इसको भी साफ करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे ठीक तरीके से देखिए, यहाँ पे बहुत सारा धूल वगैरह लगा हुआ है। तो हम इसको पूरा साफ करेंगे और फिर से देखेंगे, मतलब कई बार प्रिंट आउट निकाल के देखेंगे, ऐसा नहीं है। और आपके पास अगर गियर अवेलेबल है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा गियर को चेंज कर दीजिए, क्योंकि बहुत दिन चलने से गियर घिस भी जाता है। आपको छोटा है गियर, बहुत ही छोटा है, तो आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए ये वाला हो सकता है घिस गया है। तो बेटर यही है दोस्तों, मतलब आप गियर को चेंज कर लीजिए, तो उससे ही मतलब आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। आप अगर कस्टमर को डिलीवर भी कर देंगे तो वापस नहीं आएगा, मतलब इसके वजह से तो नहीं आएगा, दूसरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पूरा साफ कर देंगे थोड़ा सा। और दोस्तों ये वाला जो गियर आपको दिख रहा है, ये वाला मोटर का गियर है, डायरेक्ट गियर है, मतलब मोटर से निकल के आ रहा है। मोटर का जो गियर है, ये तीनों गियर को घुमाता है और यहाँ से कागज़ निकल के आ जाता है। तो वो वाला तो हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसके लिए तो पूरा मोटर ही चेंज करना पड़ेगा, मतलब अलग से मोटर आप लगा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, ये जो पुराना गियर वगैरह है इसको नहीं लगाएंगे, हमारे पास नया गियर सेट है, देखिए यहाँ पे यहाँ से खोल के लगा देंगे। तो ये वाला तो यहाँ पे लगा दिया, और दूसरा यहाँ पे लगा देना है, और तीसरा दोस्तों यहाँ पे आपको सेट कर देना है। ये वाला गियर खोजना पड़ेगा दोस्तों, ये वाला गियर चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा गियर लग चुका है, लेकिन ये वाला जो गियर है अंदर का, ये वाला मैच नहीं कर रहा है, तो पुराना वाला ही चलिए लगा देते हैं और देखते हैं दोनों गियर चेंज करने से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला गियर को थोड़ा सा साफ कर लेंगे और लगा देंगे। मेरे पास जो गियर पड़ा हुआ है उस मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। तो देखिए ये वाला पुराना ही लगा देते हैं। पुराना लगा दिया और यहाँ पे नया वाला लगा देते हैं। चलिए तो देखिए अभी ठीक तरीके से काम कर रहा है, पूरा गियर जो है वो घूम रहा है, देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कैप को भी लगा देंगे। कैप को भी थोड़ा सा साफ कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे धूल वगैरह जमा हुआ है, तो इसके वजह से फिर से जैम हो सकता है। तो आपको फिर ठीक तरीके से इसको साफ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने साफ कर दिया और यहाँ पे चलिए लगा देते हैं। तो देखिए छोटा सा काम था, हो गया। अभी हम फटाफट इसको सेट करके देखते हैं ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे दूसरा कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। कस्टमर से पूछना पड़ेगा, ये तो मालूम नहीं चलेगा। कीपैड को भी थोड़ा सा साफ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं स्क्रू वगैरह बाद में लगाऊंगा। स्क्रू नहीं लगाने से भी मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों, तो स्क्रू लगाना ही बेटर है। तो चलिए लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो। ऊपर का जो पोर्शन है वो तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ठीक ठाक से काम नहीं करेगा। मतलब पेपर रोल का जो कवर है वो तो पूरा मतलब इस बॉडी के साथ कनेक्टेड है, तो बॉडी अगर हिलेगा तो आपका ठीक तरीके से पेपर खींचेगा नहीं। तो आपको टाइट करके लगा के ही इसको चेक कर लेना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि शायद हेड ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, गियर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, ऐसा आप लोग आपको लग सकता है। तो कोई कॉन्फ्यूज़न नहीं चाहिए दोस्तों, कॉन्फ्यूज़न होने से कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे, ये वाला अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर से खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका सही रहेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों को बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल घटेगा नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब ये ऑन हो चुका है। अभी चलिए देखते हैं मतलब ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। FN एजेंट सेटिंग, पासवर्ड डाल देना है, इंटर दबाना है और प्रिंट हेड क्लीन 3 नंबर पर। तो जैसे कि देख सकते हैं यही वाला प्रॉब्लम था। देखिए रुक रुक के आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, देखिए रुक रुक के आ रहा है। तो देखिए एक आवाज़ आपको सुनने को आ रहा है, मतलब खटखट करके एक आवाज़ हो रहा है, वो गियर का आवाज है दोस्तों। तो प्रिंटर तो सही है, तो गियर आपको ठीक तरीके से मतलब आपको नहीं मिला, तो यही वाला पुराना वाला मतलब मैच नहीं किया शायद, इसलिए वो वाला आवाज़ हो रहा है। पेपर तो अभी निकल रहा है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, यही वाला पुराना वाला जो है इसको साफ करके लगा देंगे और उसके बाद देखेंगे। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, अभी तो ठीक ठाक से निकल रहा है, तो कुछ पिन करते हैं और उसके बाद देखते हैं। अगर नहीं होता है तो पुराना वाला हमको देखना पड़ेगा ध्यान से, अभी तो धूल मिट्टी लगा हुआ है इसलिए मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये वाला ठीक है कि नहीं। देखिए देख सकते हैं। तो दोस्तों मेनली जो प्रॉब्लम था आप लोगों को दिखा दिया कि इसका गियर का प्रॉब्लम की वजह से मतलब आपका प्रिंट आउट आपका सही से नहीं आ रहा है, पेपर सही से नहीं रहा है। तो ये वाला तो हो गया गियर का प्रॉब्लम, और आपका जो बैटरी है बैटरी के वजह से भी हो सकता है। तो आपको नया वाला बैटरी लगा के भी एक बार चेक कर लेना है आपका, अगर ठीक ठाक मतलब गियर सेक्शन आपका अगर ठीक है, आपको पता चल गया गियर सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, तो सेकेंड आपको आपका जो बैटरी है बैटरी के वजह से मतलब प्रिंट आउट मतलब निकल के आता नहीं है, तो वो वाला ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो आप लोगों को दिखा दिया, आपको नॉलेज मिलेगा। आपका अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को सहायता करने की। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।